एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगा, लोग इस श्लोक का इंटरप्रिटेशन गलत ना समझ लें कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। कहीं मैं किसी की चोरी कराया हूँ, किसी का डाका डालाया हूँ, किसी के साथ छेड़छाड़ चोरी चकारी कराया हूँ और मैं जाकर के गंगा में स्नान कर लूंगा तो उस पाप का मुझे प्रतिफल नहीं मिलेगा। नहीं, उस पाप का तो प्रतिफल मिलेगा, लेकिन अगला जो पाप है वो आप नहीं करेंगे, उसके लिए आपका मानसिक जो विकृत स्वरूप है वो ठीक हो जाएगा और आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा और आपका जो हृदय है वो पाप करने में आपको रोकेगा, ये है इसका अर्थ। लेकिन जो पाप कराए हैं, सोचे मैं गंगा में नहा लिया मुझे उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, नहीं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही जो आपने शुभ या अशुभ कर्म कर दिए हैं उसका प्रतिफल तो आपको शत प्रतिशत मिलेगा ही मिलेगा। शुभ का शुभ और अशुभ का अशुभ, ये ना सोचे कि मैं गंगा नहाऊंगा, बद्रीनाथ चला जाऊंगा, केदारनाथ चला जाऊंगा, गंगोत्री और यमुनोत्री चली जाऊंगा, द्वारिकाधीश चला जाऊंगा, पुरी चला जाऊंगा, रामेश्वर चला जाऊंगा, गंगा सागर चला जाऊंगा तो मेरे जितने भी पाप हैं वो सब धुल जाएंगे। नहीं, पाप धुलेगा नहीं। हाँ, भविष्य में पाप ना करें, ऐसी मानसिक स्थिति आपकी पैदा जरूर हो जाएगी, क्योंकि तीर्थ का मतलब है तीर्थानी यस तैरन्ति तानि तीर्थानी, जो आपको इस भवसागर से, इस संसार के कुचक्र से, इस संसार के लोभ मोह मद और मात्सर्य से पार करवा दे वो तीर्थ है। ये नहीं कि आपने सोचा कि गंगा की मैं तो पूजा करता हूं और तैरना मुझे आता नहीं तो मैं इसमें बैठ करके पार हो जाऊंगा, नहीं, ऐसा करोगे तो डूब जाओगे, उसके लिए तैरना आना ही चाहिए। तो तीर्थ का मतलब है जो आपके पापों को छुड़ा करके आपको पार कर दे इस संसार के लोभ मोह और कुचक्र से। कर्म फल से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। पूजा पाठ ये ईश्वर को, मतलब ये धन्यवाद कहना होता है ईश्वर को, भगवान को ये धन्यवाद कहना कि इतना अच्छा जीवन दिया, मनुष्य का जीवन दिया, ये सब ठीक है, पर ये जो कर्म आप करेंगे उसी का आपको फल मिलेगा। इसका छोटा सा एग्जाम्पल ये, अगर आज आप पढ़ाई करोगे तो कल एग्जाम में अच्छा लिख कर आओगे, नहीं आप आज पढ़ाई अच्छी करोगे तो कल बेकार ही होगा एग्जाम। तो इतना तीर्थों पर विश्वास करना कि जाकर वहाँ नहाली गंगा में और सब कुछ धुल जाएगा, ये बिल्कुल झूठ बात है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, इससे बड़ी कोई सत्ता नहीं है। कर्म की सत्ता सबसे बड़ी है। ये तीर्थ में जब श्रेष्ठ कर्म कराने के लिए वहाँ का पांडित्य वो कर्म कराता है तो उसको कहा जाता पुरोहित, दूसरों के हित की कामना कर रहा है, और आप वहाँ जा करके अपने अहित भी कर रहे हैं और दूसरों के अहित की भी कामना करते हैं। कुछ लोग जाते हैं कि मैं हाथ में जल ले रहा हूँ, हस्ते जल माधाय, हाथ में जल ले करके वो आचमन करता है और क्या कहता है कि उसका अहित हो जाए, उसका बुरा हो जाए, प्रार्थना कर रहा है दूसरों के अहित की कामना। तो जब आप दूसरों की हित की कामना करते हो आप साक्षात पुरोहित जागृत हो जाएंगे, वहां आपको आपको पुरोहित बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो तीर्थ की उपासना करता है वो पुरोहित है, तीर्थ की मर्यादा का पालन करता है वो पुरोहित है। आप तीर्थ में जाकर के अपने कर्मों की शुद्धि कर सकते हैं, ना कि आप तीर्थ में जाकर के आप जाएंगे कि मैं गया, मैंने गंगा स्नान किया और मेरे सारे पाप, हाँ उस जल में आपकी पॉजिटिविटी इतनी क्रिएट हो जाएगी कि आप उस कर्म को भूल करके, दुष्कर्म को भूल करके आप सत्कर्म की ओर जाएंगे और आप शुद्ध हो जाएंगे। एक बात मैं ऐड इसमें करूंगी कि ये आपने जो बात बोली ना, तीर्थ में जा तो रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग हरिद्वार में ही रहते हैं, वहां लोग टूर और ट्रिप करने के लिए ज्यादा आते हैं, ऋषिकेश हरिद्वार। सुबह में वो दारू वारू सब पियेंगे अच्छे से, राफ्टिंग वाफ्टिंग करेंगे, फिर गंगा में डुबकी लगा लेंगे।